चरमन, आज तुम्हारा अंदाज कुछ बदला लग रहा है, बात क्या है? मैं कुछ समझी नहीं डाली, तुम कहना क्या चाहते हो? मेरे कहने का ये मतलब है, आज तुम्हारी मांग में ये लाल रंग क्यों? ओह, तो ये बात है डाली, ये लाल रेखा तो मेरे लिए एक शादीशुदा होने का लाइसेंस है। मगर इस लाइसेंस की जरूरत तो तुम्हें मंगलवार को पड़ेगी, जब दुबई से तुम्हारा पति परमेश्वर आएगा। सच कह रहे हो डार्लिंग, कई महीने तुम्हारे आगोश में रहने के कारण मैं सिंदूर लगाना ही भूल गई थी। अब पतिव्रता का दिखावा करने के लिए इसका अभ्यास तो करना ही पड़ेगा ना? बेशक, इसी लाल सिंदूर के चलते एक शादीशुदा औरत पतिव्रता की चादर ओढ़कर समाज में बेवफाई का खेल खेल सकती है, जैसे मैं और तुम। पंकज, पता नहीं क्यों तुम्हारे हाथ लगाते ही मेरे बदन में बिजली सी दौड़ उठती है। ये सच है कि एक शादीशुदा औरत को छूने वाला तुम्हारे ये हाथ गंदा है, लेकिन मुझे अपने गंदे हाथों के बंधन से बांध लो और मुझे इतना प्यार करो कि मेरी प्यासी आत्मा तृप्त हो जाए। मैं वो मछली हूँ कि पानी में रहकर भी मेरी प्यासी आत्मा तुम्हें समाने के लिए बेचैन है और तड़प रही है। जाने मन, ये प्यास बड़ी बेशर्म है, एक बार जिसे लग जाती है ना, वो फिर तड़पता ही रहता है। अपने पति की यादों का गला घोटकर मुझे तुम्हारी बाहों में रहना अच्छा लगता है। अगर तुम मुझे ना मिले होते तो ना जाने कब की मैं तड़प तड़प के मर गई होती। अजय, तुम? हाँ, मैं। क्यों, गलत वक्त पर आ गया है? तुम्हारे यार के साथ रंगरलियां मनाने में दखल पड़ गया होगा ना है? अजय, ये जो तुम देख रहे हो ये जिस्मानी जरूरतें हैं। अब तुम ही बताओ, 2 सालों की लंबी जुदाई में तुम्हारे घिसे पिटे यादों के सहारे मैं कैसे काट सकती थी? मेरे सीने में भी दिल है, उसके कुछ अपने जज्बात। जज्बात? जज्बात की बात करती हो, पर उन्हीं जज्बातों को तुमने बेवफाई के रंग में रंग डाला, अपने यार के हवाले कर दिया। तुम्हें जरा सा भी मेरी मोहब्बत का ख्याल नहीं आया? और ये सिंदूर जो तुमने अपनी मांग में सजा के रखा है, उसने भी मेरी याद नहीं दिलाई? नेहा, क्या 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 नहीं सोचा था तेरे लिए, क्या क्या सपने नहीं सजाए थे तेरे लिए, लेकिन तुमने सोचा था जल्दी आकर तुम्हें सरप्राइज दूंगा, लेकिन तुमने तो मुझे ही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सरप्राइज दे डाला। तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है तुम्हें। तुम्हारा जिंदा रहना मुझ पर ही नहीं, इस पूरे समाज पर कलंक है। मगर मेरी बात तो सुनो, अजय, समझने की कोशिश करो। समाज में जीने के लिए तुम मेरी जरूरत हो, और अकेले कमरे में जुदाई में जीने के लिए ये मेरी मजबूरी है। प्लीज मेरी मजबूरी पे तरस खाओ अजय, प्लीज। तुम्हारी मजबूरी पर तरस खाने से तो बेहतर है कि मैं तुम्हें और तुम्हारी मजबूरी दोनों को खत्म कर दूं। विशाल, तुम आ गए, आखिर मेरा प्यार तुम्हें यहाँ खींच ले आया ना, ये लो। चीयर्स, आखिर किस्मत ने तुम्हें मेरे पास भेज ही दिया। आई हैव बीन लुकिंग फॉर अ मैन लाइक यू ऑल माई लाइफ। बट मोनिका। हाँ विशाल, अब तकदीर ने हम दोनों को मिला ही दिया। अब सिर्फ तुम, मैं
और हमारी मोहब्बत होगी। ओ विशाल, दिस इज द हाइट ऑफ हैप्पीनेस। मगर मेरी बात तो सुन मोनिका। मैं जानती हूँ तुम क्या कहना चाहते हो। मैंने आज सुबह मेरे लॉयर को एक लेटर ड्राफ्ट कर दिया है, उसके बाद मैं उस कमीने इंसान से तलाक ले लूंगी। लेकिन मैं तुमसे कुछ और भी कहना चाहता हूँ मोनिका। हाँ, यू हैव टू वेट, आई जस्ट गो फॉर अ चेंज। अब सारी रात तो हमारी ही है ना, तुम सुनाते जाना, मैं सुनती जाऊंगी। ओके, जस्ट अ लिटिल व्हाइल। ओके ओके। बाय। मिस्टर विशाल, आपकी पत्नी की हालत बहुत नाजुक है। अगर 24 घंटे के अंदर अंदर इनका ऑपरेशन नहीं किया गया तो कुछ भी हो सकता है। नहीं नहीं, मनीषा को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा उसे। हेलो विशाल, इससे अच्छा मौका तुझे कभी नहीं मिलेगा। दोस्त, कर दे अपना काम और बचा ले अपनी पत्नी को। तू सुन रहा है ना? हाँ हाँ हाँ। और सुन, काम खत्म करने के बाद तुम्हारे सामने वाली ड्रॉज में तुम्हें 5,00,000 रुपए मिल जाएंगे, मगर लेना काम खत्म करने के बाद। हाँ हाँ। Yes, darling. I am coming, darling. मेरी मनीषा को ठीक कर दे। डॉक्टर साहब, क्या हुआ डॉक्टर साहब? मुबारक हो मिस्टर विशाल, ऑपरेशन कामयाब रहा। अब आपकी पत्नी खतरे से बाहर है। थैंक यू डॉक्टर साहब। वेलकम। थैंक यू वेरी मच। ओके ओके। भगवान भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र। भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र। You are under arrest, Mr. Vishal. लेकिन किसलिए इंस्पेक्टर साहब? मिसेज मोनिका जय किशन के कत्ल के जुर्म में। नहीं जज साहब, नहीं जज साहब, मैंने खून नहीं किया जज साहब। ये आदमी जो सामने खड़ा है, इसने मुझे फंसाया जज साहब। ये दोस्ती की खाल में छुपा हुआ दुश्मन है जज साहब। ये मेरे खिलाफ साजिश की है इसने, साजिश की है इसने मेरे खिलाफ। आप कहना क्या चाहते हैं जज साहब? ये बात सच है कि उस रात मैं वहां गया था। ये बात भी सही है कि वो रात मैंने मोनिका के साथ में गुजारी थी। लेकिन मुझसे ये सब काम कराने वाले जैकी है, यही वो कमीना है जिसने मुझसे सब काम करवाया था। विशाल, गुनेगार मैं नहीं जैसा, गुनेगार ये है ये। क्या मतलब? उस रात मैं वहां डाका डालने या खून करने नहीं गया था जैसा। मुझे अपनी पत्नी को बचाने के लिए 5,00,000 रुपए की जरूरत थी, और इस कमीने ने मुझे 5,00,000 का लालच देकर मुझे मजबूर किया अपनी बीवी के साथ में सोने के लिए। झूठ बोलता है जैसा। जैसा दुनिया का कोई भी इंसान ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी पत्नी किसी गैर मर्द के साथ संबंध रखे, और ये कहता है कि मैंने इसे मजबूर किया। जी 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 जी, ये सब सुनने से पहले मेरे कान फट क्यों नहीं गए जज साहब? विशाल, अरे तुझे तो मैंने अपना सच्चा दोस्त कहा था रे, और तूने मेरी पीठ पे खंजर भोंक दिया। हाँ, अरे तू मुझको कहता तो सही कि तेरी पत्नी बीमार है,
मैं तेरे लिए 5 लाख तो क्या अपनी जान भी दे देता, लेकिन लेकिन तूने मेरी पत्नी को मार दिया, तूने मेरी मोनिका को मार दिया। ये सब झूठ है जैसा, झूठ बोल रहा है ये। योर ऑनर, झूठ वो नहीं, झूठ ये शख्स बोल रहा है जिसका नाम है विशाल। अदालत का इतिहास इस बात का गवाह है कि जब भी कोई मुजरिम अपने आप को बचाना चाहता है तो वो किसी शरीफ इंसान को फंसाने की कोशिश करता है। इस शख्स ने अपनी धर्म पत्नी को बचाने के लिए किसी और की धर्म पत्नी को बहुत ही कामयाब साजिश करके उसका होशो हफास में कत्ल कर दिया। झूठ है, झूठ बोल रहे हैं। इतना ही नहीं ऑनर, इस दरिंदे ने उस औरत का कत्ल करने से पहले उसका बलात्कार किया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, मुजरिम के ये उंगलियों के निशान और उस डॉक्टर का बयान जिसने इसकी धर्म पत्नी का ऑपरेशन किया, इस बात को साबित कर देंगे कि ये मुजरिम है। रीमा, 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 मैं आ गया। रीमा, रीमा, अब फिक्र करने की कोई बात नहीं। रीमा, मैं आ गया। रीमा, मैं आ गया। I love you, रीमा, रीमा। ओ जैकी, जैकी, ओ जैकी, तुम कितने मासूम थे जब तुम शहर में आए थे। मैं नहीं जानती थी तुम इतने बदल जाओगे। हे रीमा, मगर अब क्यों रोती तू? हाँ, अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। रीमा, ये देख, अब हमारे पास दौलत भी है रीमा, और मंजिल हमारे सामने है रीमा, सामने। अब हम इस शहर में नहीं रहेंगे रीमा, हम ये शहर छोड़ देंगे रीमा, और कहीं दूर जाकर अपना घर बसाएंगे रीमा। हम इस शहर में नहीं रहेंगे रीमा। आओ रीमा, आओ। पुलिस, जैके, पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। जैके, बेहतर यही होगा अपने आप को कानून के हवाले कर दो। जैके, ये देखा रीमा, देखा तुमने, इसे कहते हैं तकदीर। तुम्हें भी दे दिया और ये दौलत भी पाली, लेकिन जिंदा रहने के सारे रास्ते बंद कर दिए रीमा, सारे रास्ते बंद कर दिए। मैं फिर कहता हूँ जैके, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग देता हूँ, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। रीमा, तुम वापस लौट जाओ। रीमा, मैं जिंदगी की जंग हार चुका हूँ। रीमा, अब मुझे मौत के सफर पर जाना है। तुम वापस लौट जाओ। जैकी, रीमा, मुझे मत रोको। रीमा, मुझे जाने दो। रीमा, मुझे जाने दो। मुझे अकेला छोड़ के तुम दौलत के पीछे भागे, लेकिन मैंने तुम्हें नहीं रोका। जैकी, तुमने मेरे हिस्से का मंगलसूत्र किसी और के गले में पहना दिया, तब भी मैं खामोश रही। जैकी, मगर आज मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी। जैकी, रीमा। हाँ जैकी, तुमने मुझसे कहा था ना कि तुम मुझसे आज शादी करोगे, तो लो, भर दो मेरी मांग अपने खून से और मुझे ले चलो अपने हनीमून पे। हनीमून? हाँ जैकी, जब से दुनिया बनी है हर जोड़ा अपना हनीमून मनाने जाता है, मगर हम दोनों दुनिया के पहले लोग होंगे जो अपना हनीमून उस मून पे मनाएंगे।
छूटे ना अपना दामन कभी ये आओ ये खाए कसम पल को भी दूर मुझसे होना नहीं साथी यारे आँखों में तेरी समा कर दिल ये मेरा खो गया है आँखों में तेरी समा कर नजर का इशारा जैकी ये तूने क्या किया ये क्या किया मेरे दोस्त तूने क्या किया तूने तूने जो जैसी अनमोल चीज को दौलत के लिए कुर्बान कर दिया जैकी